गुड आफ्टरनून, आई हैव डेवलप्ड ए वाटर बेस्ड कोटिंग फॉर पेपर कप्स एंड पेपर कॉफी एंड टी कप्स विच हैज़ रिसाइकलेबिलिटी एंड द पल्पेबिलिटी. नाउ व्हाट इज़ द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन पेपर एंड पॉलीथीन केमिकली? नाउ इन केस ऑफ प्लास्टिक एंड पॉलीथीन इट हैज कोवेलेंट बॉन्ड्स, वेयर एज इन केस ऑफ पेपर इट कंटेन्स हाइड्रोजन बॉन्ड एंड मोर देन 60% बॉन्ड्स आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पेपर, नंबर वन. सेकेंड, इन पॉलीथीन और प्लास्टिक देर इज नो साइड चेन ग्रुप्स और फंक्शनल ग्रुप्स, वेयर एज इन केस ऑफ पेपर इट कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स. ओके, तो हेयर इफ वी आर एबल टू प्रोटेक्ट दीज हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन पेपर, देन वी कैन डेवलप दीज बेरियर प्रॉपर्टीज. ओके, तो हेयर इन केस ऑफ स्टार्च वी हैव डेवलप सम हाइड्रोफोबिक ग्रुप एंड वी आर एबल टू मेक स्टार्च एंड सेलुलोज हाइड्रोफोबिक इन नेचर. एंड सेकेंड वन, हाउ कैन वी डेवलप दीज बेरियर प्रॉपर्टीज? तो वी हैव टू टेक इन टू कंसिडरेशन वाज वन इक्वेशन. बेसिकली दी अमाउंट ऑफ पेनेट्रेशन ऑफ लिक्विड थ्रू द पेपर विल डिपेंड अपॉन दिस पोरोसिटी एंड दिस पोरोसिटी मे बी रिड्यूस बाई रिफाइनिंग और बीटिंग प्रोसेस. बट एट द सेम टाइम इफ वी अप्लाई हाइड्रोफोबिक कंपाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द पेपर बाई इंक्रीजिंग द कॉन्टैक्ट एंगल, द पेनेट्रेशन ऑफ लिक्विड कैन बी डिक्रीज. द सेकेंड वन, इन बिकॉज दिस सेलुलोज फाइबर्स आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर, इफ यू आर एबल टू डेवलप क्रॉस लिंकिंग और बाई एडिंग वेट स्ट्रेंथ रेजिन, देन वी कैन मेक और वी कैन रिड्यूस द पेनेट्रेशन ऑफ वाटर. द सेकेंड वन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, इफ यू आर एबल टू कन्वर्ट दीज हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन टू हाइड्रोफोबिक ग्रुप, देन वी कैन डेवलप दिस बेरियर प्रॉपर्टी. नाउ दिस इज द थर्ड ग्राफ विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. नाउ वी हैव थ्री टाइप ऑफ सॉल्यूट ड्यूरिंग पेपर मेकिंग प्रोसेस, इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स, ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स एंड द एम्फोटेरिक सॉल्यूट्स. तो बाई एडिंग दिस इनऑर्गेनिक सॉल्यूट वी कैन इंक्रीज द सर्फेस टेंशन फोर्स ड्यूरिंग पेपर मेकिंग प्रोसेस, एंड इफ द सर्फेस टेंशन फोर्स विल इंक्रीज देन द पोरोसिटी विल इंक्रीज एंड एट द सेम टाइम दिस वाटर क्लेम वैल्यू विल बी इंक्रीज. आई एम जस्ट गिविंग एन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल. इन केस ऑफ एब्जॉर्बेंट ग्रेड पेपर, इफ यू एड सिंपली सोडियम बाई कार्बोनेट, तो यू कैन इंक्रीज द पोरोसिटी एज वेल एज दिस वाटर क्लेम प्रॉपर्टी ऑफ दिस एब्जॉर्बेंट ग्रेड पेपर. बट इफ वी रिड्यूस दिस सर्फेस टेंशन फोर्सेज, देन दिस वाटर क्लेम वैल्यू विल बी रिड्यूस एंड एट द सेम टाइम द पोरोसिटी विल बी रिड्यूस्ड. ओके, नाउ वी हैव यूज दीज केमिकल्स ड्यूरिंग दिस मेकिंग दिस वाटर बेस्ड कोटिंग, मिथाइलिक एक्रेलिक एसिड, ब्यूटाइल एक्राइलेट, स्टाइरिन, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल एंड एजेनोबिस ब्यूटोरोनाइट्रिल दिस कंपाउंड. नाउ दिस इज द रिएक्शन स्टेप फॉर द सिंथेसिस ऑफ एक्रेलिक स्टाइरिन कोरेजिन एंड दीज आर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ एक्रेलिक स्टाइरिन रेजिन. नाउ हेयर दिस इज द DSC एंड TG स्टडीज ऑफ दिस एक्रेलिक कोरेजिन. नाउ हेयर वी हैव टेस्टेड दीज रेजिन फॉर मोलिकुलर वेट, सॉलिड कंटेंट and this the value which is highlighted in red color, that will show the value of this molecular weight and the total solid 25% and the surface energy of acrylic resin 28 to 29 dynes. Now here these are the step for coating of the sheet. So just we have used this rod coater. Now here these are the physical parameters. So we have tested this for GSM thickness, water absorbance value, that is COP 60. Now here these are the results of physical parameter. So we have determined the GSM thickness and the COP value, and after coating the COP value reduces from 30 to 1.11. And this is the another set. So where the sheet thickness is about 6 micron, in first case the sheet thickness or thickness of this coating is 36 micron. Now here,
So we have tested this coated paper for hot water test, black coffee test, oil leakage test. Now here this sample preparation for hot water leakage sets. These are the in stepwise manner I have shown this. Now here this is the oil leakage test. So this is, so here we have left this pouch for 45 minutes and we have tested after 45 minutes. Now here the recycling process of this coated sheet. So generally we have cut the coated sheet into teeny pieces and then we have used 6% sodium hydroxide solution during re-pulping process. And then these are the steps for recycling process of coated sheets with hot water. And when we have made a sheet, then there is no speck. All the fibers are distributed uniformly. There is no aggregation of fibers. This is the sheet formation by hot slurry. And as I have explained, this study has already been patented and transferred to Mr. DMS Papers Private Limited, Delhi. Okay, thank you very much.